हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। प्रीति इस लाइफ स्टाइल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए यम्मी टेस्टी मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो दही वाली मिर्च है, जो कभी कई बार सब्जियाँ नहीं मिलती हैं या नहीं बनाने मन होता है, तो आप इसे बना सकते हैं और 2-3 दिन रख कर इसे खा सकते हैं। चलिए बना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, मैंने हरी मिर्च कुछ ली है, इसे बीच से मैंने इसे इस तरीके से चीरा लगा लिया है, और 1 चम्मच दही लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई ली है, 1/2 चम्मच ही हल्दी, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, लाल चिली ली है क्योंकि वो तीखी नहीं ली है मैंने, कलर वाली ली क्योंकि ऑलरेडी तीखा होता है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे कढ़ाई चढ़ा दी है और मेरे जो तेल है मैंने डाल दिया एक ही चम्मच डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसमें मेरा तेल गरम, इसमें जीरा डाल देंगे, राई डाल देंगे और स्लो ही आँच रखिएगा। अब इसमें इसी में हम हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसमें सब कुछ हो गया, अब इसमें मिर्च हम डाल के थोड़ा धीमी आँच पे ही हमें रखना है। ज़्यादा हमें धीमी आँच पे रखेंगे ताकि हमारी जो मिर्च है वो जले ना, सिर्फ क्रिस्पी हो जाए, तब तक हम पकाएंगे। ये देखिए क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गई है। अब इसे पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें, इस सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसमें धनिया जो ली थी मैंने पिसी हुई वो डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने सारे मसाले लिए थे, गरम मसाले, भुना हुआ जीरा और नमक, सब चीज़ें हम एक साथ ऐड करके अच्छे से हम पका लेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे, फिर बाद में हम दही ऐड करेंगे। पहले 2 मिनट के लिए ढक देंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग। 2 मिनट हो गए हैं और फिर से चला लेते हैं। देखिए जो मेरी मिर्च है नरम होना स्टार्ट हो गई है। अब इसी में हम जो मैंने 1 चम्मच दही लिया था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके थोड़ा सा इसे पेस्ट बना लिया है मैंने, और इसको भी ऐड कर देंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। अब इसे हम देख लेते हैं, 2 मिनट हो गए हमारे। अब ये देखिए सब हो गए। अब थोड़ा सा जो है फुल फ्लेम पे हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, इसे थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए जो मेरी मिर्च है दही वाली वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे गैस को बंद कर देती हूँ और इसे प्लेट में सर्व करती हूँ। ये देखिए मेरी दही वाली जो मिर्च वो तैयार हो चुकी है। अब इसे दाल चावल के साथ खाइए, चाहे आप पूड़ी के साथ खाइए, सफ़र पे ले जाइए, आप 3-4 दिन तक चल सकती है ये इसे ये मिर्च, और पराठे के साथ खाइए, और इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तब तक ये मेरी मिर्च को इन्जॉय कीजिए और तब तक के लिए बाय।